नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, हमारा जो भी वीडियो होता है अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम बताते हैं तो उसमें बोल देते हैं आपको ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, क्या लेवल्स और टारगेट आपके होने चाहिए। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स परफेक्ट होते हैं उसके बारे में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये जो स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ होना बाकी है। तो दोस्तों, वो जो सेक्टर है जिसमें अभी काफ़ी ग्रोथ बाकी है वो है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर अभी मात्र 5 से 10% लोग भी हमारे देश के जो लोग हैं वो इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। तो समझ सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी आबादी जो है वर्ल्ड की 5वीं आबादी है, वर्ल्ड के 5th भाग हम अकेले हैं और हमारा जो मात्र 5% लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो कितना ह्यूज पोटेंशियल है हमारी इस कंपनी में जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसी में से हम आपको 3 स्टॉक्स बताएंगे और उसमें से आपको फिर चूज करना है कौन सा स्टॉक बेहतरीन है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्टॉक कौन सा इसमें बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। साथ ही साथ हम अपना भी पसंद बताएंगे कि हमें कौन सा स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना इसमें से पसंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सबसे मतलब लीडर स्टॉक्स है ये। और ये सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन में ही नहीं, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें भी ये लीड करता है मार्केट शेयर में। मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इसी कंपनी का है और लॉन्ग टर्म चार्ट आपको ओपन करके हम देखे दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी जो लिस्ट हुई 344 के आसपास, वहाँ से 523 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि हाईएस्ट गया 2017 में लिस्ट हुई, और वहाँ से यह काफ़ी गिरावट आया था। तो इस गिरावट की वजह था कि इंश्योरेंस कंपनियों में जो बहुत सारे मतलब न्यूज़ आए थे, न्यूज़ बेस्ड ये गिरावट था, और काफ़ी गिरावट के बाद फिर से रिकवरी हुई, और रिकवरी के बाद फिर से देख सकते हैं कोरोना में गिरावट हुआ और वहाँ से फिर से उतनी ही फास्ट रिकवरी। और ये स्टॉक्स निफ्टी 50 का पार्ट बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक है और 1.23 ट्रिलियन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं 1.23 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा तो निश्चित है कि हमारे सभी लोग जो डेवलप करेंगे तो निश्चित है वो इंश्योरेंस लेंगे, और उस इंश्योरेंस का सबसे जो मार्केट लीडर है मार्केट में वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस। साथ ही साथ HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मैनेजमेंट होना सबसे बेहतरीन है। क्योंकि आप लंबी दूरी पर जाते हैं, आपका ड्राइवर जब सही होगा तभी वो गाड़ी को ले जा पाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट पर हमेशा आपको फोकस करना है, मैनेजमेंट उसका कंपनी का बेहतरीन होनी चाहिए। पहला गया आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा है हमारा ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी मतलब बेहतरीन ग्रुप की कंपनी है। ये भी देख सकते हैं, ये भी कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में 310 रुपया से, वहाँ से हाईएस्ट गया था ये भी 2017 में 484 रुपया। न्यूज़ जो आया था न्यूज में सारे के सारे स्टॉक, जो 3 स्टॉक का इसमें आपको बताएंगे जो कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से है, तीनों स्टॉक में आपको इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक में गिरावट देखने को, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड गिरावट था, इस सेक्टर को थोड़ा सा प्रेफरेंस नहीं दिया गया था जिसके कारण न्यूज बेस्ड इसमें गिरावट हुई थी। उसके बाद यहाँ से रिकवरी के बाद ये 522 रुपया यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट प्राइस पे गया, वहाँ से फिर से इसमें गिरावट होती है पैंडमिक के कारण हर स्टॉक में गिरावट, तो रिकवरी उतनी ही फास्ट। तो ये ओवरऑल अभी 3 साल की जर्नी है, 3 साल में कुछ खास रिटर्न कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी निगेटिव रिटर्न भी नहीं दे रही, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया गिरावट में हर कोई पॉजिटिव रिटर्न प्राप्त कर रहा है। और तीनों कंपनी एक ही वर्ष में थोड़ा सा 6 महीना आगे पीछे लिस्ट हुई स्टॉक मार्केट में, और तीनों कंपनी बेहतरीन है। तो ये दूसरी कंपनी हो गई, और तीसरी कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और तीनों जो है बेहतरीन ग्रुप के साथ है। SBI जो है SBI का ग्रुप भी काफ़ी बेहतरीन है, ICICI का भी ग्रुप काफ़ी बेहतरीन, HDFC का भी ग्रुप काफ़ी बेहतरीन है। ये भी कंपनी देख सकते हैं, ये भी कंपनी लिस्ट हुई थी 696 रुपया पर, और ये भी गिर करके वहाँ से आया था इस न्यूज़ के कारण 511 रुपया पे, वहाँ से फिर ये रिकवर करके देख सकते हैं आप, ये 1000 रुपीज से भी अप जा चुका था, वहाँ से फिर से गिरावट होती है और 600 रुपया पे आती है, अभी फिर से रिकवर करके आप देख सकते हैं 856 रुपीज पे स्टॉक है। तो ये ओवरऑल 2-3 साल की जर्नी है सारे स्टॉक का, तीनों जो स्टॉक है। अब हम चलेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर, तो फंडामेंटल रूप से कौन से स्टॉक बेहतरीन है, क्योंकि अभी प्राइस तो इसका मतलब फेयर वैल्यू पे ही चल रहा है, अगर गिरावट होता है तो सारे स्टॉक में गिरावट होगा, तो आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाएंगे या आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को जानेंगे। टेक्निकल्स में कुछ खास नहीं है इस तीनों स्टॉक से, क्योंकि तीनों स्टॉक न्यूली
लिस्टेड स्टॉक है, साथ ही साथ जिस सेक्टर में उस सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ होना बाकी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, जिस सेक्टर में ग्रोथ है उस सेक्टर की सारी कंपनियां ग्रो करेगी और जो मार्केट लीडर होगा वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो सेक्टर ग्रोथ होने वाला है तो उसमें सारी कंपनियां ग्रोथ करेगी, जो लीडर होगा वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसी में हम तीनों के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर आपको बताना है कौन सा आपका फेवरेट स्टॉक है तीन में से। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यूएशन जानेंगे तीनों कंपनी का। मार्केट कैप देख लीजिए 1,22,000 करोड़ है, मतलब एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक लार्ज बहुत ही बड़ी लार्ज कंपनी है। और पी रेशियो देखिए 92 का है, तो सेम इंडस्ट्री के है तो पी रेशियो को भी कंपेयर करते चलेंगे, 92 है इसका पी रेशियो। और यहाँ पर डिविडेंड आपको दिखा नहीं रहा है लेकिन डिविडेंड अच्छा है, सारे तीनों कंपनियों में सबसे ज़्यादा डिविडेंड इसी का है। अर्निंग पर शेयर 6 EPS देख सकते हैं 6.55 रुपीज़ है। डिलीवरी परसेंटेज जो है 51 का है। तो उसी तरह से आप ICICI पोटेंशियल का वैल्यूएशन देख सकते हैं, ICICI पोटेंशियल का जो मार्केट कैप है वो 68,000 करोड़ है। तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका पी है 64 का, इसका भी 64 है, उसका उस कंपनी का कितना था आप देख सकते हैं 92। तो ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ICICI पोटेंशियल कंपनी का डिविडेंड यहाँ पर दिखा रहा है आपको 8% है। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अर्निंग पर शेयर 7.46 रुपीज़, उसके बाद इसका भी 49.81 डिलीवरी परसेंटेज है। ये तो सेम ही है तीनों कंपनी का अप्रॉक्स, ये दोनों कंपनी का अप्रॉक्स सेम ही हो गया। अब हम चलते हैं SBI लाइफ पर, SBI लाइफ का वैल्यूएशन देख लीजिए, ये 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो HDFC सबसे बड़ा था, उसके बाद SBI है और सबसे छोटा मार्केट कैप में ICICI पोटेंशियल है और पी में ये स्टॉक सबसे छोटा है, पी मात्र 59 का है। उसके बाद यहाँ 58% डिलीवरी है, देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज इसमें काफ़ी हाई है। तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज किसका है, SBI लाइफ का। अब हम इसके कॉरपोरेट एक्शन को देख लेते हैं, तो तीनों कपड़े कॉरपोरेट एक्शन पर हम चलेंगे। पहले HDFC लाइफ हमारा, उसका कॉरपोरेट एक्शन आप देख सकते हैं। तो कॉरपोरेट एक्शन में चलते हैं, कॉरपोरेट एक्शन में डिविडेंड कंपनी, तो डिविडेंड देख लीजिए 2019 में दिया है, 17 में दिया है, 2018 में कंपनी नहीं दिया है। बोनस और स्प्लिट, न्यू कंपनी लिस्टेड हुए तो बोनस और स्प्लिट आपको किसी में देखने नहीं मिलेगा। अब हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल देख लीजिए सबसे ज़्यादा इनकम जो है कौन सी कंपनी कर रही है, ये देख लीजिए 450 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट लगातार जंप हुई है हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं आप ICICI पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसका आप देख लीजिए प्रॉफिट क्या है ICICI पोटेंशियल का, यहाँ पाते हैं हम नीचे, यहाँ देख लीजिए ICICI पोटेंशियल इसका भी आप देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप किया है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। SBI लाइफ का भी देख लीजिए आप फाइनेंशियल, तो जो रिजल्ट है इस कंपनी का भी काफ़ी बेहतरीन है, 390 करोड़। तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका भी प्रॉफिट जंप किया है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, तीनों कंपनियों का जंप किया है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पे जाकर के आप डिविडेंड देख सकते हैं, डिविडेंड कंपनी कब कब दी है, 19 में दिया है, 18 में दिया है। उसी तरह से आप ICICI पोटेंशियल का देख सकते हैं डिविडेंड कब कब कंपनी दी है, तो डिविडेंड अभी कुछ खास ये तीनों कंपनियां नहीं दे रही है, ये कंपनी 2019 में दिया है, 2018 में 3 बार दिया है, तो ये डिविडेंड इस कंपनी का भी काफ़ी अच्छा है ICICI पोटेंशियल का। उसके बाद आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चलते हैं HDFC लाइफ में, तो प्रमोटर्स के पास है 63.69, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और ये सब म्यूचुअल फंड के पास कितना है, DIIs के पास कितना है, FIIs ये भी देख सकते हैं। उसके बाद ICICI पोटेंशियल इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो 73.48, ये तो काफ़ी हाई है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स का होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, तो सारे पैरामीटर्स तीनों कंपनियों के बेहतरीन है। इसमें भी देख लीजिए 62.8% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो सबसे कम किस में था, HDFC लाइफ में 63.69, SBI लाइफ में सबसे कम, SBI लाइफ में। तो शेयर होल्डिंग फिर भी तीनों कंपनियों में काफ़ी बेहतरीन है, प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी तीनों का तीनों प्रॉफिट में है, तो तीनों कंपनी में आपको निर्णय ले पाना कौन सी कंपनी बेहतरीन है काफ़ी कठिन काम है। तो अब चलते हैं हम इसके बैलेंस शीट पर, तक बैलेंस शीट देख लेते हैं क्योंकि कंपनी के में अगर कुछ डिफरेंस करना हो तो बैलेंस शीट कुछ बता दें।
तो सबसे पहले HDFC लाइफ, तो यहाँ पर रिजर्व देख लीजिए कंपनी के पास 4700 करोड़ का है। डेट जो है कंपनी के ऊपर जीरो है, तो डेट बिल्कुल भी जीरो है, कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। और नीचे आप कैश और बैंक बैलेंस देखते हैं 679 करोड़ का था, और पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा था, अभी कम हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ पर बुक वैल्यू देख लीजिएगा 33 का है, सिर्फ बुक वैल्यू 33 का है। उसी तरह अगर हम SEC पोटेंशियल का देखते हैं तो इसमें कितना है कंपनी के पास रिजर्व, ये काफ़ी ज़्यादा है 5700 करोड़ का। कंपनी के ऊपर डेट भी है वो 186 करोड़ का, जो कि निगेटिव डेट दिखा रहा है। तो निगेटिव डेट का क्या अर्थ है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 810 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है, जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का बुक वैल्यू 50 का है, तो बुक वैल्यू में ये HDFC लाइफ से काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद हम SBI लाइफ पर चलते हैं, तो SBI लाइफ के ऊपर जो डेट है कंपनी के ऊपर, तो डेट जीरो है देख सकते हैं, और रिजर्व है कंपनी के पास 7700 करोड़ का, तो काफ़ी बेहतरीन है। और नीचे चलते हैं कैश और बैंक बैलेंस 1400 करोड़ का, तो रिजर्व में कैश और बैंक बैलेंस में ये काफ़ी कंपनी बेहतरीन है, कौन SBI लाइफ, उन दोनों कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है, काफ़ी ज़्यादा कैश और बैंक बैलेंस है इस कंपनी के पास। और इसका बुक वैल्यू भी काफ़ी बेहतरीन है, 87 का बुक वैल्यू है कंपनी का। तो ये तीनों बेहतरीन कंपनियां हैं, आप चाहें तो इसमें से कोई भी दो कंपनी के साथ जा सकते हैं या एक कंपनी के साथ जा सकते हैं, तो मैं इसमें जाना पसंद करूंगा HDFC के साथ। HDFC ग्रुप का मार्केट पे ज़्यादा पकड़ है, तो निश्चित है आगे चल करके वो ऐसे भी बहुत बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है, आगे चल करके वो और बड़ी कंपनी बनेगी। हम मैं HDFC के साथ जाना पसंद करूँगा, और साथ ही साथ होगा तो मैं और एक SBI के साथ जाना पसंद करूँगा, HDFC और SBI। लेकिन अभी सिंगल DFC में SIP स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी स्टार्ट किया नहीं, HDFC AMC में मैं स्टार्ट किया हूँ, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। अब मैं HDFC लाइफ और SBI लाइफ, इस दोनों को हर गिरावट पे, हर डिप पे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगातार कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते रहना है, टेक्निकल्स को चेक करते रहना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल कुछ खास फर्क नहीं डालता, लेकिन फंडामेंटल्स जो है कंपनी का उसको देखना है, कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को देखना है, कौन से कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है उसी के साथ आपको जाना है। तो मैं पहले HDFC लाइफ के साथ जाऊंगा, अगर बाद में हुआ, अगर उतना मेरे पास कैपिटल आ गया, तो SBI के साथ भी जाना पसंद करूंगा, दोनों में बराबर बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। तत्काल के लिए पहले हमें HDFC लाइफ में इन्वेस्ट करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।